यमुनानगर के भूड़कला रेस्ट हाउस में प्रदेश की शिक्षा एवं पर्यावरण मंत्री कंवलपाल गुर्जर ने दरबार लगाकर लोगों की समस्याएं सुनी। इस दौरान भारी संख्या में लोगों ने मंत्री के सामने अपनी समस्याएं बताई। अधिकतर समस्याएं बिजली, सड़कों, यातायात से संबंधित रही। इस दौरान विभिन्न विभागों के अधिकारी इस दरबार में मौजूद रहे। लोगों ने अपनी समस्याएं मंत्री के सामने रखी, जिसके बाद मौके पर ही मंत्री ने संबंधित विभाग के अधिकारियों को उन समस्याओं और उनके समाधान के बारे में जानकारी ली और तुरंत उन्हें पूरा करने के आदेश दिए। शिक्षा मंत्री ने बताया कि भारी संख्या में लोग उनके पास समस्याएं लेकर आए। किसी को पानी की समस्या थी, कहीं गली का मामला था और कहीं परिवार पहचान पत्र आईडी को लेकर भी लोगों को दिक्कतें थी, जिसके चलते अधिकारियों को निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि अधिकांश समस्याओं का मौके पर निपटारा किया गया, लेकिन कुछ मामले दस्तावेज की वजह से लंबित थे, उन्हें भी शीघ्र पूरा करने के आदेश दिए गए हैं। शिक्षा मंत्री ने बताया कि कोरोना के चलते दरबार लगाने बंद कर दिए गए थे, अब फिर से दरबार लगाए जाएंगे। छछरौली को सब डिवीजन का दर्जा दिया जा चुका है, लेकिन अब वहां सब डिवीजन की सुविधाएं नहीं दी गई। इसको लेकर शिक्षा मंत्री ने कहा कि अभी वहां व्यवस्था करने में कुछ समय लगेगा, लेकिन सारी व्यवस्थाएं कर दी जाएंगी। देखिए, पहले पिछले कोरोना से पहले ना रेगुलर जो थे वो खिजराबाद और छछरौली और दिगादरी अलग अलग बैठते थे, और फिर एक दिन यहाँ बैठते थे। यहाँ तो बैठते ही हैं, हालांकि यहाँ भी दिगादरी में ही है वैसे, लेकिन अलग से रेस्ट हाउस में बैठते थे, छछरौली रेस्ट हाउस में भी और खिजराबाद रेस्ट हाउस में भी। थोड़ा सा लोगों की डिमांड भी थी कि होना चाहिए, कोरोना की वजह से हमने बंद कर दिया था, तो आज से उसकी शुरुआत की और काफ़ी बड़ी संख्या में लोग वहाँ आए। समस्याएं तो अलग अलग हैं, एक टाइप की समस्या तो होती है, किसी का बिजली के कनेक्शन की समस्या है, वो कहता है कि जी मैंने पैसे भर दिए थे, मेरा हुआ नहीं। कहीं इस प्रकार के विषय भी होते हैं, कहीं आईडी जो अभी फैमिली आईडी बनी इसमें भी कई लोगों को दिक्कत है कि भाई हमारी जो आमदनी है वो कुछ थोड़ा ज़्यादा दिखाई दी, गलत है, बच्चों की भी दिखाई दी। तो इस प्रकार के अलग अलग टाइप के बहुत से केस थे, उन सारे की बात तो अधिकारी वहाँ उपस्थित थे सारे, ख्याल जल्दी उन समस्याओं का समाधान हो जाएगा। कांग्रेस में देखो, मैंने तो ये गिने नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल का 250 से ज़्यादा ही लोग वहाँ आए जिनकी शिकायतें थी, कंप्लेंट थी, वो लोग हमारे पास आए। छोटे छोटे मामले थे, कहीं मान लीजिए पानी की समस्या थी तो वहीं एक सिंह था और उसको कह दिया हमने, वो ठीक करने के लिए कह दिया, या कहीं छोटा मोटा और गली का कोई मामला था वो कह दिया, बिजली का था तो बिजली के एक्शन वहीं बैठे थे, उन्होंने तुरंत समाधान किया। और फैमिली आईडी में भी कुछ लोगों की कंप्लेंट थी, वहाँ पे अधिकारी थे, उन्होंने कहा कि हम भी ठीक कर देंगे इसको, उसके लिए कोई डॉक्यूमेंट वगैरह की जरूरत है तो वो करते हैं। तो मैं समझता हूँ हमने सभी समस्याओं का वहीं उसका निपटारा किया, लेकिन कुछ प्रॉब्लम ऐसी होती है कि उसके लिए कुछ कागज और दूसरे जो भी है जरूरी डॉक्यूमेंट है उनकी भी जरूरत होती है, थोड़ा टाइम तो लगेगा, डॉक्यूमेंट वगैरह उपस्थित करेंगे तो हो जाएगा। छछरौली को सब डिवीजन का दर्जा दिया गया था, कब तक सारी व्यवस्थाएं हो जाएंगी? देखिए, अभी उसमें टाइम लगेगा, अब उसको घोषित तो कर दिया लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा, तो निश्चित तौर सारा